नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उनके द्वारा दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हर्ष महाजन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। और आपको बताना चाहेंगे कि हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे और इससे कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर होता है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका, जैसे हमने आपको बताया, माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें वीरभद्र सिंह की, तो वीरभद्र सिंह दरअसल उनके खास थे। 15 साल पहले उनके द्वारा चंबा विधानसभा क्षेत्र से आखिरी बार चुनाव लड़ा था। पारिवारिक कारणों से वह वहां चंबा छोड़कर शिमला आ गए थे। इस दौरान उनके द्वारा उन्होंने वहां कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चंबा जो था हल्के में, आज भी उनका चंबा में दबदबा जरूर है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर चंबा वो आते भी रहते हैं। उनके पिता देसराज महाजन भी हिमाचल प्रदेश के सरकार के मंत्री रहे थे। वहीं हर्ष महाजन पार्टी के अहम पदों पर लंबे समय तक सेवाएं देते रहे। वर्तमान में वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त किए गए थे। उनको वहां पे तब सेवाएं दी थी। वह चंबा जिला के सदर सीट के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा पशुपालन मंत्री और 2012 से 2017 तक राज्य सरकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर भी उन्हें नियुक्त किया गया था। चेयरमैन के पद पर भी वो रहे थे। हर्ष महाजन लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए थे और राजनीति में रणनीति और प्लानिंग के लिए वो जाने जाते हैं। पहले कांग्रेस के वरिष्ठता नेता और के वो नजदीक माने जाते थे, लेकिन 2009 के बाद लगातार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नजदीक वो आ गए। वीरभद्र सिंह की अगर बात करें तो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके परिवार के भी वो नजदीक रहे, लेकिन विधानसभा चुनावों से एन पहले उनके द्वारा कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। अब वजह ये सामने आ रही है कि आखिर उनके द्वारा कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ा गया, क्या ऐसी वजह रही कि उनके द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़ दिया गया। हर्ष महाजन पार्टी के बहुत पुराने सिपाही थे। उन्होंने आखिरी चुनाव से पहले पार्टी का दामन क्यों छोड़ा, ये सवाल बार बार कुरेदा जा रहा है। ये सवाल हर किसी के जहन में है और बताया ये जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में एक बिखराव की स्थिति आ गई थी। कांग्रेस बिखर गई थी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक छत्र नहीं है। हर वरिष्ठ नेता खुद को सीएम एक फेस के दावेदार मान रहा है। वह हर नेता अपनी राह पर चल रहा है। कुछ लोग बताना चाहेंगे कि टिकट के चयन को लेकर हुए निर्णयों को के लेकर भी उसे पीछे मान रहे हैं। खैर, अभी तक हर्ष महाजन ने पार्टी क्यों छोड़ी है, इसकी असली वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन फिर भी ये सवाल बार बार उठता ही जा रहा है। ये सवाल सबके जहन में बार बार आ रहा है। बात करें नवंबर की, तो नवंबर में विधानसभा के चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में होंगे। विधानसभा चुनाव नवंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। चुनाव आयोग की टीम भी बीते दिनों प्रदेश के स्थिति का जायजा लेगी, प्रदेश की स्थितियों का। और चुनाव आयोग की टीम ने भी नवंबर में जो चुनाव करवाने की बात कही थी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लगाना तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा झटका मिल चुका है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।